भाई ये जो सामने गाड़ी जा रही है ना XUV700 उसको बेच दिया गाड़ी को 28 लाख की लेकर 1.5 लाख रुपए की उसके अंदर एसेसरीज वगैरह लगाई। फिर उन्होंने 28 लाख में कह दी कि मैं दे दूंगा यार 1.5 लाख का घाटा सही, और चली थी मात्र वो मेरे ख्याल से 5000 किलोमीटर। गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हालचाल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और चलिए चलते हैं आज फीस जमा करने जानी है अनुष्का की। चले हैं अनुष्का की फीस जमा करने, क्योंकि 3 महीने से मैंने उसकी फीस की लगभग जमा नहीं करी थी। और करीब इसलिए नहीं थी क्योंकि अभी 10th के पेपर चल रहे थे उसके, और 10th के पेपर चलने की वजह से फीस नहीं जमा कर पाया। और वो कारण क्या था, फीस इसलिए जमा नहीं कर पाया क्योंकि अभी उसका 10th का रिजल्ट आया नहीं है, और रिजल्ट आएगा जून के एंड में। और एंड में आने की वजह से अभी मैं उसकी वेट कर रहा था, लेकिन स्कूल से लगातार मैसेज आ रहे थे कि सर फीस जमा करो। लेकिन मैं चलो करनी तो है ही, तो करा के हो यार, एक तरफ टेंशन हो ख़त्म। रेड लाइट पे भी अगर रुक जाते हैं ना भाई, सिर से लेकर पैर तक सारा मैं ही पसीना टपकने लगता है। ऐसे अब हवा लग रही है, और भाई हवा जो लग रही है ना, रुकने में तो हालत ख़राब है और चलने में मज़ा आ रहा है ज़बरदस्त। इसको बोलते हैं हरियाणा का चीता, हरियाणा शक्ति झज्जर। भाई ये जो सामने गाड़ी जा रही है ना XUV700 भाई, इसके अंदर पता नहीं जिसने भी, मतलब अभी तक मेरे एक दो फ्रेंड सर्कल में हैं जिन्होंने गाड़ी ली है भाई, लेने को देर नहीं, उससे पहले तो उन्होंने बेच दी, क्योंकि इसके अंदर कंप्लेंट इतनी आ रही है बहुत ज़्यादा यार। पता नहीं क्यों, अभी से पहले बिल्कुल नई मार्केट में गाड़ी आई है ये, और अभी से पहले इसके अंदर इतनी कंप्लेंट है। कोई भी बंदा ले रहा ना, बहुत जल्दी से जल्दी बेच रहा है। एक तो अभी थे एक विकास दयाल नाम के भाई हैं, वो यूट्यूबर हैं, वो भी गुड़गांव की तरफ, तो भाई उन्होंने भी अभी उसको बेच दिया गाड़ी को 28 लाख की लेकर 1.5 लाख रुपए की उसके अंदर एसेसरीज वगैरह लगाई। फिर उन्होंने 28 लाख में कह दी कि मैं दे दूंगा यार 1.5 लाख का घाटा सही, और चली थी मात्र वो मेरे ख्याल से 5000 किलोमीटर के आसपास मुश्किल से। और भाई एक दिन क्योंकि उनकी जो ब्रेक वगैरह थी क्या थी प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा मतलब इतने इरीटेट हो गए थे वो यार, उसको चलाएं या वर्कशॉप में खड़ा रखें, भाई जिस जिसके पास है शायद वो कहीं ना कहीं पछता ही रहे हैं। लेकिन लुक बहुत ज़बरदस्त है यार, जो इसके हैंडल है ना, इसको जो हम बाहर खिड़की खोलते हैं, और ये देखो बिल्कुल प्लेन दिख रहे होंगे आपको, एक देख दो बिल्कुल प्लेन है ये। और जब इनको जब हम पुश करते हैं ड्राइवर साइड से, अपने आप ही दोनों के ये डंडियाँ बाहर आ जाती है, और भाई उसके बाद खुलती है ना जब, क्या ज़बरदस्त लुक आती है भाई, आराम से खुल जाती है एक नंबर। लेकिन चिपकी हुई उससे भी सॉलिड लग रही है यार, वरना कोई भी जैसे आता है बाहर से, जैसे लॉक करने के बाद बच्चे वगैरह होते हैं कोई भी, कईयों की आदत होती है उंगली करने की, आएगा खोलते हैं बार बार, वो खोलने का सिस्टम नहीं रहेगा। इससे बेस्ट है गाड़ी ठीक है, हर एक चीज़ अच्छी है, लेकिन भाई बहुत सारी कमियां भी हैं, अभी सुधरने में शायद टाइम लगा, क्योंकि इनकी XUV500 आई थी जब, उस टाइम पर भी यही प्रॉब्लम थी, 2012 के आसपास आई थी, हाँ 12 के लगभग, तो भाई उस टाइम पर मैंने स्कॉर्पियो ली थी। लेकिन उससे पहले जब वो आई तो उसका रिस्पांस भी भाई काफ़ी भयानक है, क्योंकि उसका जो सस्पेंशन था ना, इतनी साउंड थी बहुत ज़्यादा भाई, गड़गड़ गड़गड़ करती थी खड्डों के अंदर। शायद उसके अकॉर्डिंग तो बेस्ट भाई स्कॉर्पियो लाख गुना अच्छी है, लेकिन भाई जो स्कॉर्पियो का एक्सपीरियंस रहा ना भाई, ज़बरदस्त वाला रहा जब तक मैंने रखी अपने पास, काफ़ी चलाई वो मैंने, बहुत चलाई थी। आई अनुष्का का स्कूल आने वाला है, क्योंकि देव की तो फीस मैंने जमा कर दी थी, अनुष्का की बैलेंस थी। और ये देखो भाई इनकी रेड लाइट की दर जाना इनको, और घुसा कहाँ ये बंदा भाई, गर्मी मारने के मूड में बहुत भयानक तरीके से, और पसीना देखो कितना आ रहा है, दुनिया भर का पसीना आ गया, पता नहीं होगा क्या। फीस तो जमा कर दी है और अब निकलते हैं यार, हालत होगी ख़राब, क्योंकि भीड़ तो थी नहीं, खाली था बिल्कुल काउंटर, लेकिन यार पता नहीं बारिश आने वाली है। देखो मौसम अजीब सा हो रहा है ना, धूप है ना छाँव है, समझ में नहीं आ रही क्या हो रहा है, और इतनी गर्मी और उमस टाइप हो रही है बहुत ज़्यादा। वो तो थोड़ी बहुत हल्की बाइक या मतलब जैसे स्कूटी चला रहा हूँ तो हवा में थोड़ी राहत मिल रही है क्योंकि चलते चलते, लेकिन भाई वैसे मामला भयानक हो रहा है यार, गर्मी कितनी है भाई, पसीने से टी शर्ट भीग चुकी है पूरी। ये जो पेड़ है इतने पुराने पुराने, इन्हीं में थोड़ी बहुत राहत मिल जाती है, इनके नीचे खड़े होने तो छाँव कितनी अच्छी है भाई, हेलमेट में से इतना पसीना टपक रहा ना इस टाइम पर, भाई बुरा हाल हो रहा है यार, थोड़ी बहुत भी एयर पास नहीं हो रही है। ये प्रवीण भाई है जो ये पीछे जो खड़े हुए रिक्शा में, भाई ये बंदा भी बहुत मेहनती है भाई, ये प्रवीण राठौर। और भाई ये देखो ट्रैक्टर के अंदर गर्मियों का विटामिन से लवाला भरपूर, विटामिन से लवाला भाई, प्याज खाओ गर्मी में तो कच्चा, कोई टेंशन नहीं है ना, लू लगने का खतरा ना कुछ। ओहो देखो छाँव आई है, इन पेड़ों का यही फ़ायदा यार, तो थोड़ी सी राहत मिलती है,
भाई इतने सब कोई इतनी जल्दी गाड़ी वाले भी नहीं देख रहे इस टाइम तो यार, किसी के पैर में घुस रही क्या है भाई। घर के लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह देखता हूँ यार, अगर बन गई तो बात। लेकिन भाई पसीना ऐसे टपक रहा है इस टाइम हेलमेट के अंदर से, ऐसे टपा टप टपा टप। बस स्कूटी के अंदर ना भाई एक बेनिफिट है, ना कोई गियर का लफड़ा ना किसी प्रकार का, उसी दबे एक्सीलेटर दिए जाओ और बस भाई चलते रहो, कोई टेंशन नहीं किसी भी प्रकार की। ओ भाई दौड़ते रहो बस चलते रहो, देखो एक्सीलेटर दो टेंशन ख़त्म। ओ भाई चलते रहो बस आनंद ही आनंद। मार्केट से यार तरबूज तो गायब ही हो गया, आम ही आम दिखाई दे रहे हैं बस। भाई को इतनी जल्दी है बहुत ज़्यादा, समझ में नहीं आ रही क्या प्रॉब्लम है इसको, पीछे से हॉर्न पर हॉर्न मारे जा रहा है। ये गाड़ी है भाई, इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, HR14R9561 पीछे से हूँ पे हूँ पता नहीं क्या जल्दी है। बेटा जल्दी निपटेगा, आगे तेरे पापा खड़े हुए हैं, रेड लाइट जंप करिए जब पता लगेगा। आगे खड़े हुए हैं ट्रैफिक वाले, अगर एक भी रेड लाइट जंप कर दी जब पता लगेगा इस बंदे को कि जल्दबाजी होती क्या है। इतना पसीना आ रहा है जबरदस्त वाला भाई। भाई मौसम की पहली बारिश आ गई है और भाई देखो जबरदस्त बारिश आ रही है, एक नंबर। कैमरा भीग गया है और फिलहाल में मैंने इस पर चद्दर रख दी है जिससे कि नीचे हमारा कुछ भी जो सामान पड़ा हुआ है खराब ना हो। आज हमारे पेड़ जितने भी एक नंबर मजे आ रहे हैं भाई, इनको सभी को। मौसम हो चुका है जबरदस्त वाला भाई, जबरदस्त बारिश आई अच्छी। बारिश फिलहाल में जा चुकी है और फिलहाल में आ नहीं रही और भाई एक नंबर का मौसम बन गया है। ये देखो सारे पे पानी पानी है, एक नंबर जबरदस्त। और भाई इसके बाद में हमारा सब कुछ भीग चुका है, यहाँ पे फिलहाल में पानी पानी पूरे छज्जे में। मशीन भी हमारी जितनी वॉशिंग मशीन वगैरह थी दोनों, ये दोनों भी भीग चुकी है भाई। और भाई फिलहाल में हमने पेड़ों में पानी भाई कुदरत ने दे दिया, ऊपर वाले ने। वो देखो बादलों में कितना ज़बरदस्त प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ से बादल साफ हो चुके हैं और इधर आ गए हैं। और भाई ये हमारे पेड़ फिलहाल में इनमें पानी चला गया अच्छे से, देखो ग्रीन कितने लग रहे हैं, एक नंबर के बिल्कुल साफ बिल्कुल ज़बरदस्त वाले। और भाई ये हमारे सदाबहार एलोवेरा, एलोवेरा भी थोड़ा हाल उड़क सड़क गया, ये फिलहाल में पेड़ हमारे ज़बरदस्त हो चुके हैं भाई, एक नंबर। मौसम हो गया है खुशगवार, एक नंबर ज़बरदस्त वाला भाई। बारिश के मौसम में ना आइसक्रीम खाना और वो भी कटोरी भर के, एक नंबर की चीज़ है भाई, एक नंबर। और भाई आइसक्रीम में आएगा मज़ा, आप लोग भी खाइए, एक नंबर भाई। देखो धुआं उठ रहा है, स्ट्रॉबेरी बिल्कुल मेरी टी शर्ट से मैच कर रही है। और भाई एक नंबर स्वाद आ रहा है इसमें, एक नंबर का स्वाद। तो भाई ये घर तो आप जानते ही हैं, इनके पैड को बंधे हुए, आज जमाने भी इतने को आगे एक महीना हो गया है इनकी पैड नहीं खुली, क्योंकि पिछली बार आंधी आई थी तो आप ये देख सकते हो ऊपर का ये पार्ट इनका निकल के गिर गया था और ये दोबारा से वापसी न लगा है। लेकिन भाई अभी ये पैड नहीं खुल रही, पता नहीं क्यों, ये क्या कारण है भगवान ही जाने। भाई काफ़ी देर से घास उखाड़ रहा था इसके अंदर से, क्योंकि ये पहले गमला वहाँ पे रखा हुआ था नीचे, फिर इसको ला करके रख दिया इस पिलर के ऊपर। अब इससे क्या हुआ, जो बेल है ना बिच्छू की, ये बाहर की तरफ आएंगे, बिच्छू बेल बोलते हैं इसको, और इसके अंदर से ये वाले फ्लावर निकलते हैं, एक नंबर के भाई। और ये हमारी तुलसा जी भी इसी के अंदर, ये एलोवेरा, एलोवेरा पता नहीं क्यों ये कुछ लगता है कि डैमेज हो गए हुए हैं। और भाई कितना क्या देर लगती है, अभी देखो बारिश अगर ना आए तो जल्दी जल्दी इसको सारी को निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये जो होती हैं ये हमारी इनकी ग्रोथ को रोकती हैं, क्योंकि इनकी जड़ों को फैलने नहीं देती और अपनी को इतना फैला देती हैं कि इनको होने नहीं देती। फिर एक साइड से भाई इतनी निकल गई है, देंगे
तो थोड़ा खाद मार देगा तो बिल्कुल टमाटर। ये हमारे में एलोवेरा, इसके अंदर मैं भाई अभी इसको निकालूंगा एलोवेरा। गमले के अंदर काफ़ी स्पेस हमारे में, इसके अंदर मैं लगाऊंगा घिया की बेल और इससे काफ़ी अच्छा रहेगा। और बाकी भाई इसमें सदाबहार गेंदे का लगा हुआ है, ये पत्थर चिट्टा, अगर किसी को पथरी हो तो सुबह खाली पेट इसको ले, एक पत्ता तोड़ो और मुँह में डाल लो भाई, ये समझ लो अमृत है। पत्थर चिट्ठा से कैसा भी हो मतलब पेट के अंदर पथरी, ये देखो भाई इसको यहाँ से तोड़ो, साफ करो और भाई एक नंबर होता खट्टा खट्टा। हाँ और भाई इसको हटा दो जल्दी जल्दी, तो बारिश होगी तेज, अगर ये पाइप मटक गया तो फिर कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। ये कुछ दिन पहले निकाला था, अभी डाल देते हैं इस बाल्टी के अंदर इसको, फिर डस्टबिन के अंदर डाल देंगे इसको जब कूड़ा उठाने वाला आएगा। अरे तुलसा जी इतनी बड़ी हो गई थी बहुत ज़्यादा, उनको भी निकाल दें, उनकी जगह ये छोटे छोटे अपने आप ही निकल गई, बहुत बड़ी थी सूख गई थी। और भाई छत पे हमने लगा रखी है गिलोय, ये आपको दिख रहा होगा, एक पड़ोसी के यहाँ चढ़ी हुई है सामने, एक यहाँ हमारी छत पे भाई, ये तो होगी इतनी बड़ी। और एक ये भाई एक ये जा रही है ऊपर, अब जितनी जाएगी हम नीचे मैंने गमले में लगाई हुई है और इधर से ये चढ़ती जा रही है, इसके अंदर ना नई नई ये निकल गई हैं और ये बढ़ती जा रही है ऊपर धीरे धीरे। और भाई अगर किसी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है ना तो अगर उसको इसका काढ़ा अपना के पिला दिया जाए तो शायद बहुत बेस्ट होता भाई। है तो खैर मेरे पास में सब कुछ जड़ी बूटियाँ टाइप ही, ये पत्थर चिट्टा जिससे पथरी नहीं हो सकती, और भाई ये एलोवेरा, अगर इसका किसी का कमर में दर्द है तो भाई इसके निकाल के लड्डू वगैरह डालो, अगर लड्डू डलते हैं ना भाई एक नंबर का काम करते, और कमर का दर्द लगभग ख़त्म कर देंगे, भविष्य के लिए कभी होगा ही नहीं। और भाई अभी बच्चे अभी घर पे गई है, इंदू आ जाएगी, इंदू मेरी मिसिज, तो भाई अगर वो आ जाती है उसके बाद मैं इसके लड्डू डलवा दें, क्योंकि ये लगभग बड़े हो चुके हैं और यहाँ स्पेस काफ़ी कम आपको दिख रहा होगा। अगर ये जब निकाल दूंगा इसके बाद, फिर मेरे पास में काफ़ी सारे एलोवेरा लगा रखे मैंने, इधर भी है इधर भी है, उसके बाद हम इसको इसके निकाल के और लड्डू बनाएंगे भाई। लड्डू बनने के बाद भाई एक अलग ही आनंद आता है, अलग ही मतलब बढ़िया, जिससे कि बेस्ट तो ये होता है कि भाई आपकी कमर का दर्द वगैरह कोई भी दिक्कत हो कुछ सारी ठीक हो जाएंगी, तो बेस्ट ही रहेगा ना। और भाई अभी बारिश आती है, इसके ऊपर जितनी मट्टी गिरी है ये बिल्कुल अभी धीरे धीरे पानी लगा बिल्कुल साफ़ हो जाएगी भाई, ये एक नंबर हो जाएगा काम। ये फ्लावर है, ये बीज बन चुका है, अगर ये सूख गया तो ये बीज बन जाएगा, और ये हल्के हल्के दिख रहे हैं, लेकिन यार ये पता नहीं कैसे ऐसे ना लुढ़क गया ये, पर कोई नहीं इसको भी, इसलिए मैंने इसको ऊपर रखा कि थोड़ा ये फैले और भी अच्छे से। तो पेड़ उगाना ना भाई मेरे को बहुत ज़बरदस्त लगता है, ग्रीनरी देखो, मैंने तो इधर भी भर रखा है सारा, और इधर भी छोटे बिच्छू की घास वो लगा ये बेल, इसमें भी यही वाले सेम फ्लावर आते हैं ये वाइट एंड पिंक टाइप, और इधर भी सदाबहार है ये सामने, इधर तिल तुलसा जी हमारी, उधर सदाबहार, और ये भाई ऊपर गई है बेल हमारी गिलोय की, और ये सब इसमें भी पत्थर चिट्टा देखो आप, ये रहा छोटा हाँ निकलने लग रहा है, और ये गेंदा हमारा, लेकिन ये देखो आप ये जो ये चीज़ होती है ना यार, ये हमारे बाकी पेड़ों को भी रोक देती है, पता नहीं क्या कूड़ा सट्टा अड़ंगा क्या है ये समझ में नहीं आता। पर चलो भाई अब बारिश हो चुकी है तेज और हम चलते हैं भाई नीचे, जो आपको दिख रही होगी यहाँ पर लगातार टमाटम बारिश आ रही है टमाटम, क्योंकि मौसम चढ़ चुका है भाई दोबारा से। अगर भाई मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना ना भूलें, जो इस चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आइकन का बटन साथ में है उसको बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और प्लीज़ भाई पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, चाहे वो कहीं भी हो, जहाँ जगह मिले यार वहाँ लगा दो, जहाँ भी जगह मिले, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने घर के पास ही लगाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई एक नंबर ये देखो ये भी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन दे ही रहा है यार। अच्छा ये भी हैं जो थोड़ी दे रहे हों, इनके पास में सुबह के टाइम पे फील करो भाई, योग वगैरह व्यायाम वगैरह करके देखो भाई, एक नंबर का काम करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर चलो इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड, बाय।